वेलकम टू S19 एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मैं RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम सितंबर और अगस्त में होने वाला है, तो उसके लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो सीरीज़ में मैं दो वीडियो ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे S19 एजुकेटर चैनल पर यूट्यूब पर सर्च करके आप प्ले लिस्ट में जाके बाकी दो वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। जैसे कि दो पार्ट हम कर चुके हैं, तो तीसरे पार्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही लेते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ हम पैरेलली कुछ थ्योरेटिकल बायोलॉजी का कुछ सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल पहले हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपके स्टडी का स्टार्ट करते हैं। आज हम लेते हैं RRB मुंबई 1994 में आया क्वेश्चन पेपर। जापान की करेंसी एन है, जापान की करेंसी एन है। भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद एक में कहा गया, क्योंकि भारत को राज्यों का संघ बोला जाता है, अनुच्छेद एक में वर्णन है हमारे संविधान के अंतर्गत। फलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, फलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। भांगड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ये ध्यानचंद स्टेडियम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर में है, राज्य में है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय बुरसेल में है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से, एक अश्व शक्ति 746 वॉट के बराबर होता है। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पर है? बिहार राज्य में। रांगा यानी टांका टीन और सीसा की मिश्र धातु होता है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय थे, जो मिहिर सेन थे। राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया नॉन एज द गौतम बुद्ध। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित। अगला पेपर आता है RRB चंडीगढ़ 1995 का। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। ये चमड़े का थैला क्या? चमड़े की चीज़ें बहुत मजबूत होता है, इसलिए बजट शब्द को चमड़े का थैला कहा गया, ताकि हमारा जिसका बजट अच्छा होगा उसकी मजबूती होगी, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया। ये सामाजिक क्षेत्र में कल्याण के लिए दिया जाता है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ को एक प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बहुलक के रूप में। गेट का पूर्ण जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड ऑफ टेरिट है, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बदल दिया गया, पहले था जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ था, अब इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रसंघ सभा का कार्यालय न्यूयॉर्क में है। चकमा शरणार्थी का संबंध बांग्लादेश से। शार का मुख्यालय काठमांडू है। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। कच्चे फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का यूज़ किया जाता है। मृद लोहे का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। बॉय स्कॉट आंदोलन के संस्थापक बॉर्डन पावेल थे। ए सर्कुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बनके तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को, और इसको संपूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इसको बनने में लगा समय कितना? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इस्पात संयंत्र की बातें, भट्टी में उत्पादित होने वाले लोहा को ढलवा लोहा कहा जाता है। माइक्रोफोन के आविष्कार, जो माइक्रोफोन यूज़ करते हैं उसका आविष्कार ग्राम बैल ने किया था। नेक्स्ट पेपर है हमारा RRB 1995, सांची का स्पूत कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। इसको अशोक ने बनवाया था, और अशोक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कब से हुआ? कलिंग 261 युद्ध से, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबद्दीन ऐबक था। कुतुबद्दीन ऐबक वही है जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। लावणी और तमाशा ये वहाँ पे लोक नृत्य है, महाराष्ट्र में होता है। प्रसिद्ध संगीत है तानसेन अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। GATT की जगह पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन है, जो 1 जनवरी 1995
से लिया गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान भारत की यात्रा पर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चित्य राजकूट की काल में था। गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। चोल वंश का नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। लखनऊ पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट है। इराक की राजधानी बगदाद और ईरान की राजधानी तेहरान। तो आपका ये इसमें मैंने तीन पेपर को लास्ट ईयर के तीन पेपर को डिस्क्राइब किया जो 1995 के आसपास था ये पेपर। आगे मैं बाकी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट की नेक्स्ट क्लास फोर में लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आइकन बेल को प्रेस करें ताकि डेली अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चलती रहे। इसके बाद मैं इस सीरीज़ के साथ ही पैरेलली एक साइंस की सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें स्पेशली बायोलॉजी होगा। बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल आएंगे, उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो पहले थ्योरेटिकल स्टार्टिंग करेंगे, बायोलॉजी बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इसका फ़ायदा सभी ले सकते हैं। जय हिंद।